वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी साईशा कपूर। और आज मैं करने वाली हूँ एक व्लॉग विद आदि। तो गाइज हम जा रहे हैं एक जगह जो मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, पर हम वहाँ जा रहे हैं। वो एक प्ले एरिया टाइप का कुछ है बड़े और छोटे दोनों बच्चों के लिए। तो हम वहाँ घूमने वहाँ जा रहे हैं, उसको विजिट करेंगे। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग है, छोटा तो नहीं होगा, होपफुली आपको सब दिख जाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये एक व्लॉग है। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11:30। तो मैं अभी ब्रश करूँगी, नहाने जाऊँगी, फ्रेशन अप होंगी, और आदि अभी हो रहा है, फिर सब फ्रेशन अप होंगे, खाना वाना खाएंगे, एंड देन लेट्स सी फिर हम कहाँ जाते हैं, वहीं जाएंगे या फिर कहीं और। गाइज मैं आई हुई अपनी मासी के घर रहने। ये आदि का रूम है। मैं अभी आपको नहा करा के मिलती हूँ। गाइज मैं नहा गई हूँ और ये मेरी आउटफिट ऑफ द डे है, और ये आदि है। और आदि को अभी नहीं पता कि हम व्लॉग शूट करें, तो हम उसको बताते हैं। आदि आज व्लॉग शूट रहेगा हमारे इधर उधर जहाँ पे भी हम रहेंगे। आदि तो रोब्लॉक्स में क्या खेल रहा है? मैं पता नहीं, लीव नहीं करूँगा। लेजेंड्स ऑफ गाइज आदि एक गेम खेल रहा है रोब्लॉक्स में, और मासी अभी नहा रही है, और मम्मा के ऊपर हम पूरा दिन प्लान करने वाले हैं। पर ये मैं सिर्फ आदि को बता रही हूँ। आदि एक चीज़ बताऊँ, एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, टी, इसको हटा दो मिनट। ओके गाइज हम आदि को बताते हैं। आदि हम दोनों को पूजा मासी पे 24 आवर्स प्रैंक करना है। मेरी मम्मा पर भी करो। ओके सो गाइज प्रैंकिंग एंड मासीज एंड मम्मा मास, सो प्रैंकिंग आर मासी एंड मम्मास फॉर 24 आवर्स। तो मतलब गाइस हम दोनों सोच रहे हैं कि हम उन्हें जंप्स कैसे प्रैंक करें, और क्या क्या कर सकते हैं, उनके बेड के नीचे चूहा छुपा दें, हाँ फेक वाला, और तेज बोल ले उनके कानों तक भी पहुंच जाए वाला, टॉय वाला। ओके 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 दैट इज गोना वर्क। ओके मम्मा आ रही है। गाइस मिस हो गया, हमें उन्हें नहीं बताना। मम्मा आज आपका गंदा दिन जाने वाला है। क्यों? हम आपको बहुत टॉर्चर करने वाले हैं। अच्छा हाँ। एंड मम्मा आप अपनी आउटफिट दिखाओ, इतनी प्यारी लग रही है। सो गाइस मम्मा क्या टॉर्चर है हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस मम्मा के हैंडसम लैंडर की चप्पल, और ये बड़ा क्यूट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा टूट गया था बत्रा के बर्थडे पे, तो ये मम्मा का कॉर्ड सेट। देखो गाइस कितना प्रिटी है। एंड आदि की भी आउटफिट काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लुक एट दिस गाइस, ये टी शर्ट कितनी क्यूट है, टेडी बेयर वाली, बर्बरी की है। हाँ बर्बरी की टेडी बेयर, सुपर। अगर आपको जानना है कि मैंने ये टॉप कहाँ से लिया, तो ये टॉप मैंने H&M से लिया है, और ये जो लेगिंग्स है ये मैंने ज़ारा से लिया है, H&M से लिया है। तो दोनों H&M से लिए है। और ये वाली क्रॉक्स जो पहने हैं मैंने, ये मैंने वियतनाम से लिए हैं। सो गाइज अब मैं खाने वाली हूँ खाना, और आदि के साथ खेलने वाली हूँ रोब्लॉक्स एट द सेम टाइम। सो लेट्स गेट इनटू इट। खाना वाना खा लिया है, और अभी बज रहे हैं 1:30, और मासी आदि मम्मा सब लोगों ने यहाँ पे जो भी मौजूद हैं उन्होंने खाना खा लिया, और अब मैं अपने बाल बनाऊंगी, और फिर हम जाएंगे डगडग गूज। और मेकअप एरिया का नाम अब आता है डगडग गूज प्ले एरिया का नाम, तो हम वहाँ जाएंगे। मैं रेडी हो गई हूँ, और चलो चलते हैं। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता, तो मैंने अपने बाल खुद ही काट लिए एक हेयर स्टाइल के लिए। ये देख सकते हैं आप, गाइस दिस इज आदि। तब हम बस गाड़ी में बैठने वाले हैं, हम वॉकिंग जा रहे हैं, क्योंकि मासी के घर के एकदम पास नहीं है वो प्ले एरिया। सो हम वॉकिंग जा रहे हैं, सो लेट्स गोइंग। एंड गाइस जो भी हम राइड करेंगे, जो भी हम वहाँ पे कुछ भी स्लाइड करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। गाइस हम वॉकिंग जा रहे हैं, मासी मम्मा आदि, लेट्स गो। एंड गाइज इसमें छाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ भी सकती है। सो आदि भाग रहे फ्री भी अपना ऐलान पंछी की तरह। सो वी आर जस्ट वन वॉक, हमें यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ये बहुत पास में गई है, तो हम बस चल के जा रहे हैं। आई वॉज अबाउट टू ट्रिप यू गाइज, आई वॉज अबाउट टू ट्रिप, और बस अब हम जा रहे हैं। और मासी, मेरी मम्मा मासी
and Adi. So we are just gonna go. When I'm gonna reach there, I'm gonna show you everything. Every ride we do. Adi, hum sari rides saath mein karenge, okay? Hum sari rides saath mein karenge. Okay. Hum riksha ride mein. Everyone say hi. Hi. Guys, that is the goose. The goose. एग्जिट ढूंढेंगे गाइस हम. तो गाइस उसके बाद मुझे एक इतनी क्यूट सी चीज़ लगी जिसमें आदि अलाउड नहीं था, तो मैंने उस बेचारे को कैमरा पकड़ा के बोल दिया था कि तू यू नो रिकॉर्ड कर. और अब मैं यहाँ बंदरों की तरह ऊपर चढ़ रही हूँ और मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था और मेरे को इतनी हंसी भी आ रही थी एट द सेम टाइम क्योंकि मैं बहुत ही बेवकूफ़ लग रहे हैं करते हुए. बट स्टिल काफ़ी फन था और मैं इसके ऊपर आर पार दो बार गई थी. एंड या फिर एक आदि ने एक दीदी को फ़ोन पकड़ा दिया था और वो अपना एंजॉय करना चल गया था, तो मैं देखने आ रही हूँ कि कौन क्या हो रहा है. तो फिर मैंने देखा कि वो दीदी फ़ोन पकड़ के भी वीडियो बना रही थी. एंड फिर उसके बाद उन दीदी ने मेरी साइड की भी वीडियो बनाई जो ये रेड स्लाइड है. ओके बट आई हैड टू से दीदी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी. और यहाँ पे अब आदि झूला झूल रहा है और ये जो दीदी है ना ये वही वाली दीदी हैं जो भी वीडियो बनाई थी, काफ़ी स्वीट थी और वो ऑलमोस्ट सारा शुरू शुरू के टाइम वो हमारे साथ ही थी मेरा और आदि के साथ. ये दीदी लाइक फॉरन से आई थी बट शी वॉज रियली स्वीट. और ये आदि अब दीदी आदि को झुला रही है और अभी मैं झूल रही हूँ बंदरों की तरह एज ऑलवेज. उसके बाद गाइस ये मैंने एक बंदरों वाली राइड करी जिसमें हमें बंदरों की तरह इन चीज़ों पे बैठना था और फिर दीदी इनको घुमाती थी और ये हम इसके ऊपर बैठ के घूमते थे. मुझे इसका नाम एक्चुअली याद नहीं है बट ऐसे. और फिर गाइस मैं यू नो बहुत मज़े ले रही थी और आदि वहाँ ट्रैम्पोलिन के वहाँ खड़ा हुआ है और हाँ उसको ट्रैम्पोलिन करना था और वो वहाँ खड़ा हुआ है और मैं अब यहाँ से उतर के आदि के पास ट्रैम्पोलिन पे जा रही हूँ. एंड गाइस उसके बाद मुझे आदि ने बुलाया कि चलो सायशा दीदी हम ना आप ट्रैम्पोलिन पे ना कूदते हैं, तो आई वाज लाइक ओके ओके. और फिर मैंने आदि को नीचे गिरा दिया और हम दोनों बंदरों की तरह कूद रहे हैं. मैं भी बंदरों की तरह कूद रही हूँ ऐसे नो कि मैं ऐसी कूदती हूँ. सो गाइस आप देख सकते हो मेरे बाल पता नहीं मेरे को मार डाल मार रहे हैं और पीछे वहाँ बच्चा हमें ऐसे देख रहा है कि पता नहीं हम कहाँ से आए हैं ये वो. हमें तो बहुत ही डर लग रहा था उन बच्चों से बट स्टिल हम उनको इग्नोर मार कर अपना चिल कर रहे थे ट्रैम्पोलिन पे. और वहाँ पे ना एक वो भी था क्लाइंबिंग वाला, वो मेरे और आए थे दोनों से ही नहीं हुआ. एंड गाइस उसके बाद आदि मेरे को बोला, आदि ने मेरे को बोला कि अब हम यहाँ चलते हैं. उसके बाद मैंने आदि को कहा एक सेकंड रुक ये और मैंने आपको ये ट्राई करके दिखाया, ये बड़ा क्यूट सा था, इसके अंदर से एयर आ रही थी एंड हम बॉल्स को उड़ा सकते हैं. उसके बाद हम ये खुफिया जगह पर आ गए और यहाँ पे एक जिप लाइन काइंड ऑफ आई कैन से जिप लाइन और यहाँ पे आदि कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने की बट आई वॉज लाइक आदि वैसे चढ़ गया था बट देन आई वॉज लाइक चलो मैं तो सीढ़ियों से ही चलूँगी. सो मैं सीढ़ियों से जा रही थी एंड यहाँ पे मैं ज़िपलाइन कर रही हूँ. और फिर अब मैंने स्लाइड करी
जो कि काफ़ी फ़न थी। और उसके बाद मैं और आदि ये चीज़ कुछ कर रहे थे, इसके अंदर हमें बॉल्स डालनी थी और फिर एक बटन था उसको प्रेस करना था और फिर जो सारी बॉल्स हैं वो नीचे गिर जाती। उसके बाद आदि मुझे यहाँ ले आया था, यहाँ पे एक वर्चुअल गेम थी जिसमें हमें बॉल्स मारनी थी और वो एवेंचुअली मर जाते थे। उसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ पे लाइक एक दीदी थी, उन्होंने कहा आप ये ट्राई करो, तो मैंने ये ट्राई करा और ये हमें ऐसे नीचे लेके जाते थे, बहुत ही स्लो स्पीड थी, तो लाइक ओके था, मतलब इतना अच्छा नहीं था। और अब यहाँ से मैं आई ऊपर और मैं फंस चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपना फ़ोन यहाँ रखा और ऊपर आ गई। गाइस मेरे को क्लियर फुटेज नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फन है। ओ वाओ, अभी मैंने वो करा था, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ जाऊँगी, लेट्स गो। इधर चल, पता नहीं आधी कहाँ है, हो गया यहाँ कहीं। गाइस फिर उसके बाद मैंने ये वाली राइड फिर से की और फिर ये वाली राइड करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। ये वही बंदर वाली राइड है जिसमें हमें बंदरों की तरह बैठना होता है और वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो मैंने आदि को कैमरा पकड़ा। शिट, झूला हमें मुझे दिखा है, सो वी विल सिट हियर आई गेस। और नहीं, एक्चुअली आई गेस हमें आर पार बैठना है और ऐसे करेंगे तो गाइस उस फाइट के बाद जो वाली वॉशबॉल वाली थी उसके बाद मैंने और आगे नहीं वाली स्लाइड करी है। गाइस फिर उसके बाद एक काफ़ी क्यूट सी जगह थी जहाँ पे मुझे अंदर जाना था। कैमरा काफ़ी गंदा लग रहा है क्योंकि लाइक अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत यू नो इधर उधर जा रहे थे, हम भाग रहे थे इधर से उधर, तो इसलिए अच्छा क्लियर फुटेज है। और यहाँ पे भी मैं चढ़ रही हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट था चढ़ना। और हाँ बट मैं चढ़ पा रही हूँ, दिस इज सो क्यूट, ऐसा मुझे लग चुकी है। ओके यहाँ पे वैसे को कर रही है एंड यहाँ से आएगा भी आदि एंड यहाँ से लोग नजारे ले सकती हूँ और लोग मेरे, सो लेट्स जस्ट रिलैक्स हियर फॉर सम टाइम। जी मैं सब देख सकती हूँ यहाँ कौन कूद रहा है और यहाँ से कौन आ रहा है और मेरी वॉइस भी काफी इको हो रही है, बालों की हालत काफी खराब हो गई है और मुझे प्यास लग रही है और मेरा बैंड खो गया है और हाँ मैं काफी थक चुकी हूँ, बट स्टिल द फन इज नॉट ओवर येट। गाइस उस कंफर्टेबल स्पॉट के बाद हम यहाँ आए हैं और ये एक जगह है जहाँ हमें ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है। और गाइस यू वोंट बिलीव कि मैं बिना सपोर्ट के चढ़ के गई हूँ यार। एंड गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दो। रुक जा आदि, मुझे लग रही है आदि ऊपर देख, ऊपर कैसे आऊं, उधर से आदि को यही नहीं पता ऊपर कैसे आना, तो मुझे मैं यहाँ ले रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं जैसे ही मैं आई और वहाँ है आदि। और आदि मैं इसमें यहाँ घुस जाते बहुत छोटी है, इधर आओ आदि, पिक्चर पिक्चर मी बीइंग अ किड लाइक वेरी क्रिंज, सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। ओके गाइस अब ये देखो,
हम प्रिया से बाहर आ चुके हैं और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। सो बाय।